जूडियो 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 बहुत दिनों से मेरे पास डिमांड आ रही थी कि जूडियो का व्लॉग चाहिए, जूडियो का व्लॉग चाहिए, बट मैं नहीं बना रहा था क्योंकि एक मेरा दोस्त का दोस्त है, उसने ये वीडियो बना रखा है, तो आप वो देख लो। तो यहाँ पर वैसे नया स्टॉक आया तो मैं इस वजह से आया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड पर यहाँ पर आए हुए हैं हम लोग। तो चलो देखते हैं अंदर यहाँ पर क्या मिलने वाला है। वैसे अपने वीडियो उसके लिए फेमस है, तो अंदर देख लेते हैं क्या कुछ है, यहाँ चीज़ें है भी या नहीं है। कुछ अच्छा लगेगा तो ट्राई कर लूंगा, और नहीं लगेगा तो भी ट्राई तो आपके लिए करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं सीधा अंदर, दिखाता हूँ आपको। अंदर आते ही हम लोग घुस जाते हैं सीधा लिफ्ट के अंदर, और हम लोग सीढ़ियों से भी जा सकते थे, मगर सीढ़ियों से हम क्यों जाएं, हम तो रंगबाज हैं, हम तो सीधा लिफ्ट से ही आएंगे और लिफ्ट से ही जाएंगे। तो एक ही फ्लोर के ऊपर जाने के लिए हम लोग लिफ्ट लेते हैं और ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं यहाँ पर अपने को क्या मिलने वाला है। हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर, और ऊपर पहुंचते ही सीधा हम लोग जाते हैं बॉयज सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे सीधा स्टार्ट करते हैं। ये एक डेनिम जैकेट थी, तो दिखने में डिसेंट है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट इसका प्राइस 1000 रुपये है, तो अगर आपको लेना हो तो देख सकते हो। बाद में ये आ जाती है अपनी जैकेट, जैकेट तो नहीं बोलूँगा, जैसे ट्रैक सूट होता है ना वैसा है, काफ़ी पतला था जैसे अक्टूबर नवंबर में पहनने के लिए, और इसकी प्राइस थी 1000 रुपये। उसके बाद चलते हैं अपने, ये देख लो शर्ट्स हाफ बाजू वाली जो होती हैं आजकल चल रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नया स्टॉक आया हुआ है, बट मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और लास्ट में कुछ चेकआउट कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको भी कैसे लगने वाले हैं। और इनकी बात करूँ तो 600 रुपये आपने टैग देख ही लिया होगा, और ये मतलब दिखने में काफ़ी अच्छी है, इनका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। तो ये है 700 रुपये की जो ऊपर दिख रही थी आपको, और ये था बॉयज सेक्शन, और ये एक इन्होंने पुतला सा बना रखा है। और हाँ, पुतला देख के खुश मत हो जाना, ये जो 400 रुपये लिखा हुआ है ना, ये इसके अंदर वाली टी शर्ट के लिए है, और ये जो ऊपर पहन रखा है ये 1000 रुपये का ही है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, ये आ गए अपने शूज़, काफ़ी फंकी शूज़ हैं, और इनकी प्राइजिंग की बात करूँ तो मैं प्राइजिंग आपको एंड में दिखाता हूँ कितनी इनकी प्राइजिंग थी। ठीक है, मतलब मटेरियल काफ़ी अच्छा है इनका, अगर डेली वेयर के लिए आप लेना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा है। और ये कॉपीज़ जॉर्डन, तो इनकी प्राइसिंग देख सकते हो 1000 रुपये है। और ये आ गए अपने स्लीपर्स, चप्पल सैंडल जो भी बोल सकते हैं, और इनका प्राइस था शायद 400 रुपये। और अब चलते हैं अपने सबसे सस्ते जूते जो यहाँ पर थे, ये थे 300 रुपये के, 299 रुपीज़ के थे, तो ठीक थे, डिसेंट थे। और ये वाले जो 600 रुपये के हैं ना, और ये वाले काफ़ी अच्छे जूते थे, 1000 रुपये के तो पता ही है पैसे ले रहे हैं तो अच्छी चीज़ देंगे ही देंगे, तो ये बहुत अच्छे जूते थे। इसमें दो कलर थे, एक ये कलर था और एक अपना था ऑरेंज कलर, तो ये कलर भी काफ़ी अच्छा ही लग रहा था। और एक ऑरेंज दिखाता हूँ अभी आपको, तो ये देख लो ऑरेंज कलर जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये वाले हैं 1000 रुपये के, और जो इससे पहले जो ऊपर टंगे हुए थे वो थे अपने 600 रुपये के जूते। तो क्वालिटी मतलब जूतों की सारों की अच्छी है, कोई भी जूते आप ले सकते हो अगर आपको लेने हो तो। और पहले बता दूँ ये इनका सोल हैवी है, अगर हैवी सोल आपको चाहिए तो यहाँ मत आना, और वैसे अगर डेली वेयर के लिए आपको लेने हो तो आ सकते हो आप। तो अब बात करें हाफ बाजू शर्ट्स और अपनी स्वेट शर्ट्स की, तो इनकी मैं बात करूँ तो इनका प्राइसिंग था 600 से 700 रुपए, और इनकी जो स्वेट शर्ट्स हैं अपने उनकी है 1000 रुपए के करीब, तो प्राइस थोड़ा सा हाई है मटेरियल के हिसाब से, बट ठीक है। अगर किसी को यहाँ फैशन वाली चीज़ें पसंद आती हैं, जैसे ये देख लो, ये काफ़ी दिखने में अच्छी है, और ये हुडीज़ आ गई, हुडी मतलब ये बिल्कुल हल्की हैं, स्वेट शर्ट काफ़ी ठीक हैं। तो हुडी अगर आपको मतलब अक्टूबर नवंबर में पहनने के लिए लेनी है तो यहाँ से ले सकते हो, बट प्राइस 1000 रुपये है तो। और ये आ गई अपनी टी शर्ट, तो ये मतलब यहाँ पर मिलती ही मिलती हैं हमेशा, तो इनका प्राइस है 400 रुपये। इनका मटेरियल काफ़ी हैवी है, मैं आपको बताऊँ 400 रुपये के हिसाब से, तो ठीक है लेना हो तो आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छी हैं। और ये रहे मैनिक्विंस, इनके ऊपर भी टंगे हुए हैं कपड़े, और ये मेरे को अच्छी लगी थी, ये मतलब दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट मेरे को कलर थोड़ा सा फेड लगा, इसका कलर अगर थोड़ा सा और डार्क होता तो मैं इसको ले सकता था। तो इसकी प्राइसिंग थी 1000 रुपये। तो अभी मैं अंदर भी जाऊंगा, बट पहले आपको मैं और भी सामान दिखा देता हूँ। जैसे ये जूते देख लो, ये मतलब काफ़ी हैवी मटेरियल लग रहा था जैसे टच करने में, और फील इसका काफ़ी अच्छा था, तो अगर आपको ये वाले शू लेने हो तो काफ़ी अच्छे हैं। और स्लीपर्स की बात करूँ, इनका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, जैसे 300 रुपये के हिसाब से तो मतलब काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका, तो ये भी आप ले सकते हो, बढ़िया है। और ये आ गई अपनी लॉर्स, और ये जो हुडीज़ और हैं ये हैवी मटेरियल वाली हुडी हैं, इनका प्राइस भी मतलब हाई है।
तो हम आ गए थे दूसरी साइड, और यहाँ पर भी हमें जूते देखने को मिल गए थे। मतलब ये जूतों की क्वालिटी की बात करूँ, सारे जूते अच्छे थे, और इनकी प्राइसिंग की बात करूँ ये भी 1000 रुपये के थे। और ये देख लो जूते, काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी के जूते थे। और ये वापस से मतलब सेमी विंटर जो बोलते हैं ना अपने, वो वाले जैकेट्स हैं ये, ट्रैक सूट की तरह बिल्कुल पतले से हैं। तो और यहाँ पर कुछ नहीं था दिखाने के लिए, तो चलो मैं आपको कुछ जो चुनिंदा चीज़ें हैं वो आपको चेक करके दिखाता हूँ कैसी लगती हैं पहनने के बाद। तो ये रहा मैं, तो चलो दिखाता हूँ आपको। तो ये रही नंबर 1 शर्ट, तो मतलब टंगे हुए तो ये काफ़ी अच्छी सी लग रही थी, बट पहनने के बाद पता नहीं इसको क्या हो गया, तो मुझे तो नहीं अच्छी लगी। नंबर 2 की बात करें, इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा था और कलर भी काफ़ी सही था, बट मुझे पसंद नहीं आई। तो आप देख लो, अगर आपको पसंद आई तो आप ले सकते हो यहाँ पर जाकर। तो चलते हैं नेक्स्ट अपनी शर्ट के ऊपर। तो ये है नंबर 3, तो मतलब ये काफ़ी अच्छी लग रही थी और थोड़ा सा इसका लुक अच्छा आ रहा था, और मटेरियल भी इसका काफ़ी सॉफ्ट था, तो ये मुझे पसंद आई थी, तो ये मैं ले सकता हूँ, बट अभी नहीं लूँगा, बाद में लूँगा। फिलहाल तो अभी मैं चेक ही कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो फिटिंग काफ़ी सही है, ये मत बोलना कि साइज़ छोटा लिया था, साइज़ यही बढ़िया लग रहा था। तो चलते हैं आगे। तो ये मतलब ठीक है पहनने के लिए, मतलब मेरे को नहीं अच्छी लगी, थोड़ा अजीब सा कलर था। अब मानो या मानो हाँ मानो, मेरे को तो बहुत अजीब सा लग रहा था जैसे, अब क्या ही बोलूँ, चलो छोड़ो नहीं बोलते, कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो अगर आपको पसंद हो तो आप ले सकते हो, मुझे नहीं पसंद आया ये कलर। और ये है अपनी जैकेट बोल सकते हैं, तो मतलब ठीक है, इतनी कुछ खास नहीं है। कलर मैंने आपको पहले ही बोला, इसका फेड सा लग रहा था कलर, थोड़ा होता ना इसके अंदर थोड़ा डार्क सा, डार्क थोड़ा, तो इसको लेने में कोई हर्ज नहीं था, तो मुझे तो नहीं पसंद आई ये। तो चलते हैं आगे, आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये है, हाँ ये टी शर्ट काफ़ी अच्छी लग रही है, तो इसको ले सकते हैं अपने। फिटिंग देख सकते हो काफ़ी सही आ रही है, और लाइटिंग यहाँ पे यार बड़ी सही है। तो चलो इसमें और कुछ नहीं है वीडियो में, जल्दी से अपने चढ़ जाते हैं लिफ्ट के अंदर, और एक फ्लोर नीचे जाने के लिए यूज़ करते हैं अपनी लिफ्ट का। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, बाय।